नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन, मेरे चैनल कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल डेंगू फीवर बहुत अधिक हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे डेंगू कैसे होता है, क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती हैं। सबसे पहले, डेंगू एक वायरल फीवर होता है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होता है। यह मच्छर दिन के समय लोगों को काटता है और यह मच्छर नॉर्मली जो रुके हुए पानी रहता है उसमें यह रहता है और उसी में अपने लार्वा देता है। यह मच्छर जब किसी डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर यह इसमें वायरस प्रवेश करता है और फिर यह मच्छर किसी भी नॉर्मल इंसान को काटेगा तो उसको भी यह डेंगू का वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। मच्छर के काटने के 4 से 5 दिन के बाद आपको ये सिम्टम्स दिखाई देने लग सकते हैं। अतः फ्रेंड, हमें देखना है कि 3-4 दिन तक जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल वायरल फीवर जैसे ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डेंगू कितने प्रकार का होता है। डेंगू 3 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल फीवर होता है जिसे नॉर्मल या क्लासिकल डेंगू बोलते हैं। जो डेंगू का प्रकार होता है जिसमें हेमरेजेस होने लगते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर। तीसरा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डेंगू सॉक सिंड्रोम इसे बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मल जैसे वायरल फीवर होता है वैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि यह भी एक वायरल फीवर है। इसमें पेशेंट को तेज ठंड के साथ बुखार आना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, उल्टियां होना, दस्त लगना या लूज मोशंस होना, थकान, चक्कर, वीकनेस, ये सब सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को समटाइम रेस्ट आ जाते हैं बॉडी पर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अब हम देखते हैं इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं या कैसे हम इलाज कर सकते हैं। जब इसका घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं आप, जब नॉर्मली सिम्टम्स हैं, प्लेटलेट आपकी नॉर्मल है, तब हम इसका घर पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3-4 दिन में यह ठीक हो जाता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में पूरे टाइम आप प्लेटलेट करते रहें, क्योंकि प्लेटलेट काउंट इसमें काफी कम हो जाता है। अगर सडनली आपकी प्लेटलेट कम हो रही है तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तथा फ्रेंड्स, अगर आप घर पर ही हैं तो आपको इन सब चीजों का बहुत सिंसियरिटी से ध्यान रखना चाहिए। तब अब हम देखते हैं इसकी रोकथाम में, आसपास जो भी आपके गड्ढे में पानी रुका हुआ है उनको आप मिट्टी से भरवा दें, क्योंकि ये जो पानी होता है रुका हुआ, बारिश का पानी या फिर कभी कभी हमारे कूलर में पानी भर जाता है और हम उसे लंबे समय तक साफ नहीं करते हैं, फूलदान गमलों में जब एक्स्ट्रा पानी देते हैं वो रुका रहता है, तो इन सभी में डेंगू का लार्वा जो है वह पनपता है। दूसरी बात, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें। मच्छर भगाने के लिए जो भी तरीके हम उपयोग कर सकते हैं उसका हम उपयोग करें। तथा हमको मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, तथा साथ ही मॉस्किटो कॉइल का उपयोग करें आप, खिड़कियों पर जाली का उपयोग करें, एवं बच्चे बुजुर्गों में इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है तो इनको बहुत जल्दी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फुल कपड़े पहना के रखें और स्वयं भी फुल कपड़े पहने। तो इस तरीके से हम इस मच्छर को रोक सकते हैं और इस मच्छर से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, इसके काटने से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ जनरल होम रेमेडीज होती हैं, जैसे गिलोय का जूस आप लेना शुरू कर दें, क्योंकि यह बहुत अच्छा लिवर भी वर्क करता है और जो डेंगू होता है उसमें आपके लिवर पर बहुत अधिक असर पड़ता है और इसके कारण आपको उल्टियां भी कई बार होने लगती हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, डाइजेशन कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। इसके साथ ही पपीते के पत्ते का, बहुत अधिक आप सुन भी रहे होंगे कि पपीते के पत्ते का जूस बहुत अधिक, आपको 2 से 3 बार आपको पपीते के पत्ते का जूस लेना है, कीवी आपको लेना शुरू करना है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अब हम जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में एक मेडिसिन होती है यूपिटोरियम 200। यह मेडिसिन प्रिवेंशन, डेंगू प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इस मेडिसिन की आपको 6 गोली दिन में 2 बार लेनी है, लगभग 1 से 1.5 महीने डेंगू नहीं है और आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तब। अगर डेंगू हो गया है और माइल्ड सिम्टम्स हैं तभी आप
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, अदरवाइज आप प्रॉपर हॉस्पिटलाइज हो जाइए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत सडनली डाउन होता है और फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 से 4 मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ, इसका कॉम्बिनेशन बनाकर आपको लेना है। जैसे यूपिटोरियम 200 जो कि मैंने पहले ही कही है, इसकी 6-6 गोली दिन में 2 बार लेनी है। तथा दूसरी मेडिसिन आती है जेलसीमियम, इसका इसको भी मिक्स करना है। इसकी यह थकान के लिए, डलनेस जो आती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकॉक 200 उल्टी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है रश्टॉक्स 200, यह जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द की बहुत अधिक अच्छी मेडिसिन है। तो इन सारी मेडिसिन को आपको मिक्स कर लेना है और गोलियों में लेना है 6-6 गोली। तेज फीवर है तो 1-1 घंटे से, अदरवाइज दिन में 4 से 5 बार आपको ये मेडिसिन लेना है। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स ले सकते हैं आप, जैसे यूपिडोरियम 200 जिसे इसका क्रूड फॉर्म मदर टिंचर्स, मतलब मेन जो मेडिसिन है वही आप ले सकते हैं। ऑसिमम सैंक्टम जो तुलसी से बनती है, इसका मदर टिंचर। और इक्नेसिया जो कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, इम्यूनिटी को बढ़ा, इन तीनों मेडिसिन के मदर टिंचर को एक साथ मिक्स कर लें 100 ml की बॉटल में, और इसकी दो दो एक एक चम्मच आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 5 से 6 बार लेते रहें। इससे आपका फीवर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्वाइंट पेन और सारे सिम्टम्स में काफी अच्छा आराम मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, अगर फीवर ज्यादा है, सीवियरिटी ज्यादा है, रैसेस आ रहे हैं, हेमरेजेस हो रहे हैं, या कुछ भी थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, प्लेटलेट काउंट थोड़ा भी डाउन हो रहा है और नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत आप हॉस्पिटलाइज होइए, हो जाइए, क्योंकि तब प्लेटलेट की आपको जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।